I'm loving it. Yaar, Kashmir, I will miss you. Good morning and welcome to our channel. कल रात को तो अर्थक्वेक की वजह से काफी डर गए थे, but आज सुबह उठ के we are greeted with this beautiful view. पूरा मस्त सनशाइन है और पीक्स एकदम शाइन कर रहे हैं. यहाँ पे डॉग्स को बिस्किट खिलाया जा रहा है, स्तुवान खिला रहा है. ही इज वेरी एक्साइटेड. दो बाबा दो, तू भी खाओ ना किंतु तब. ए तू मान ना, ओके दो ओके दो. तो ब्रेकफास्ट डन, वी आर लीविंग फॉर आडू वैली. And Pahalgam is in all its glory, huh? You want to click a picture of us? Sure, sure. It just gets better. So, इधर ponies red hot favorite है. Ponies लेके सब viewpoints cover होता है. So, one such group photos click कर रहे हैं. कश्मीर में आज लास्ट दिन है. सुबह रूम से नजारा देख के थोड़ी देर के लिए भूल गया था, पर चलते चलते ये पहाड़ों ने ही याद दिला दिया था कि अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं टिकते. एक अजीब तरह की चाहत है पहाड़ों की. अगर खूबसूरती की कीमत होती ना, तो कश्मीर और ये वादियां बहुत बहुत अमीर होते. ना जाने कितनों के दिल इधर बस गया है. रियलिटी से काफी दूर जाने का मन था, इधर ही बस जाने का मन था. वही लगेगा. ये हम पहुंच गए हैं चंदनवाड़ी, और यहाँ साइड में काफी चाट स्टॉल्स हैं, गोलगप्पे हैं. आपको पूरा लोकेशन घुमा कर लाएंगे. और एक लाल लाल टमाटर सप्ता सिंह की गोद में है, उसको भी खा जा सकते हैं हम. आज ये सन इतना ब्राइट है ना, बहुत सुंदर लग रहा है. स्नो पूरा शाइन कर रहा है. एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी योर सनस्क्रीन, क्योंकि स्नो में काफ़ी सनबर्न होता है. बहुत सुंदर लग रहा है. सिस्टर नहीं भाई, आप बोल दिया तो. यहाँ पे आप लोग ये स्लेजिंग कर सकते हो. सकता है तो हमें सुवान को लेके ये वाला रिस्क नहीं लेना है, लेकिन अगर आप बिना बच्चे के हो तो ऑफ कोर्स एंजॉय. ये स्ट्रीम बह रहा है इधर से, और ये वैली देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है.
और सबसे मज़ा क्या आ रहा है, इतना अच्छा धूप निकला है ना, तो ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही और आप स्नो एंजॉय भी कर सकते हो. दिस इज वेयर पिलग्रिम स्टार्ट देयर अमरनाथ जर्नी. अनिंदिता वाज स्ट्रगलिंग बर्फ में, बट लुक एट हिम, इज जस्ट लाइक हिज डैड, ही इज एंजॉयिंग, ही वॉन्ट्स टू वॉक, ही वॉन्ट्स टू वॉक. Hey baby, most probably Anandita will just hold him. I'll go and explore the other places. I'm loving this place, as good as Sonmark. Neeche ek stream beh rahi hai. I'm going towards the stream. Anandita, because she doesn't have the proper boots, to neeche nahi aa rahi hai, and Stuvan is also enjoying. So wo log upar hi rahenge. Main stream dekh ke ek baar us side upar jaunga. देखने के लिए क्या है. रुक जा, छोड़ना बर्फ को. पापा, चढ़ने के स्टिक्स चाहिए. देखा, यहाँ हो, यहाँ खींचो भैया, यहाँ खींचो. I'm loving it. You can cross, go up, click some pics, and this is almost like a river cave. This is where the Amarnath trek starts from. Upar tak ja rahe. Anandita log udhar maze kar rahe. It is a slippery slope, but thank God I have woodlands. It is working like a charm. My average speed is at least 5 to 10 times more than Anandita. She is struggling. She just has her normal sneakers on, which is not right, by the way. You should get yourself a pair of boots, snow boots. So in a way, I'm already part of the trekking route. इधर से ही route होगा क्योंकि ये तो hilly है. And this is how it looks from the top. That's Anandita there with Stuvan, and I am here at the top. And I came here just for this view. Looks nice. वही चंदन का पेड़ होगा, I'm guessing. This is why Chandanwadi is famous for these, and right there at the back. So idhar kuch der rukenge, photo khinch lete hain. थोड़ा एक बार एक फोटो लेना नीचे, ठीक इसका. क्योंकि हम लोग वहाँ पे सब डरते हैं. छोड़ दो बच्चा लेने. हाँ, वो तो हमारे इधर भी है. पापा, ये बेबी. छोड़ दो बेबी. ना ना, वो इधर तो जा पे. ना जी, मूव आउट ऑफ द वे. आई थोड़ा नहीं जाओ. थैंक यू. So we are on our way to Vetav Valley. Stuvan is having his lunch. वो थोड़ा cranky हो रहा था. Lunch time भी हो गया और उसको सोना भी है. Thank you.
अभी जैम में फंस गया है फिर से. देर इज अ शार्प हेयर पिन बेंड एंड आई एम होपिंग जल्दी क्लियर हो जाए. There's almost one. अभी आ गए बेताब वैली. वहाँ से एंट्रेंस है, आगे जाना है. गाड़ी पार्क्ड है एंड सुहान इज स्लीपिंग. सो हम लोग सोचे थोड़ा बाद जाएंगे व्हेन इज अवेक. और ये स्ट्रीम दिख गया तो देखते हैं नीचे जाके. शीश सुवान के साथ है तो मैं थोड़ा वो स्ट्रीम एंजॉय करने आई हूँ. हम बेताब वैली के अंदर अभी तक नहीं घुसे क्योंकि सुवान सो रहा है. एंड आई वॉज फीलिंग सुवान वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम चंदनवाड़ी. तो मैं क्योंकि बार बार सिर नीचे कर रही थी तो मेरे को थोड़ा वो हिल्स पे नौशिया हो गया है. सो आई एम नॉट फीलिंग वेल एज वेल. तो यहाँ पे आके थोड़ा खुली हवा में अभी बेटर लग रहा है. So we got the tickets. And we're going to enter the Betab Valley. ये अपना इन गेट है. निंदिता वापस गई है बिकॉज वी थॉट इट इज़ नॉट डैट कोल्ड है बट सडनली अ गस्ट ऑफ विंड एंड निंदिता वापस गई टोपी लाने. चाय नहीं सुबह पर सर. ही इज़ अवेक एंड अपना बेताब वैली का एक्सपीडिशन चालू है. अनन्या अभी बस दो मिनट पहले मुझे फ़ोटो खींचना सिखाई. सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ट्रीज को कहाँ रखना है. इसी पाथवे पे एक फ़ोटो खींचे एंड शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. इट टुक मी हाउ मेनी टेक्स 7-8 बिफोर शी टुक द कैमरा. एक फ़ोटो मेरा खींच के फिर शी टोल्ड मी दिस इज हाउ यू क्लिक अ फोटो. डिसअपॉइंटिंग मी द होल डे. The whole day. I am not a good husband from the morning. है ना? अर्थक्वेक के बाद जैसे कुछ हिल गया है मेरे दिमाग में. Expectations meet नहीं हो रहा है ना? चलो I'll do anything and everything to make her smile. He's smiling. So we are in the middle of the Betab Valley. This is how it looks. इधर स्नो कैप माउंटेन्स हैं, इधर बहुत सारे ट्रीज हैं एंड वी आर जस्ट इन द मिडिल. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है विच यू कैन क्रॉस एंड गो इनसाइड दैट फेंस्ड एरिया. एंड आई गॉट दिस फ्लावर. कहीं प्लक नहीं किया है, बस ग्रास पे था. पे कुछ फोटो खींचेंगे एंड देन विल गो बैक. इधर काफ़ी स्नो है. पीपल हैव गॉन देयर बट आई थिंक वी हैव हैड एनफ स्नो फॉर द डे एंड आडू वैली भी बाकी है. आज ना पता नहीं सप्तशी को क्या हुआ, इतना बेकार फोटोज ले रहा है मेरा वो. मतलब आई कांट इवन टेल यू. मेरे मतलब कोई एक पोस्ट भी नहीं कर पाऊंगी मैं. टेबल्स विल टर्न, ये मैंने उसको बहुत दिन से बोला है. मेरा फोटो इतना गंदा. टाइम टू लीव. यस आई एम हंग्री. तो अभी आडू वैली जाने से पहले मार्केट दिख गया और उन लोग को भूख भी लगा था तो बंगाली रेस्टोरेंट. बंगाली थाली लिया, आलू पोस्तो, दाल, आलू भाजा, उसको भी खाना है. तो अभी जा रहे टूवर्ड्स आडू वैली. रोड्स काफ़ी नैरो भी है और काफ़ी ख़राब भी. जब बच्चा रोता है तो संभालना मुश्किल होता है. जब बच्चा खा पी के उसको एनर्जी मिल जाता है देखिए क्या हाल होता है. मैं तब से रियर व्यू में देख ही जा रहा हूँ. ये अनोखा ही कुछ कर रहा है. अभी उसका आफ्टरनून स्नैक हो गया, उसके बाद से वो
अलग ही इंसान बन गया, आई डोंट नो हु इज। सो हम आरू वैली पहुंच गए हैं एंड प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट साइट सींग पॉइंट इन कश्मीर। और सप्तशी तो बोल रहे थे चलो एक और दिन रुक जाते हैं, बट लेट्स सी। ये है आरू वैली, ये देखो अपने में ही सब झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये है आरू वैली के बीच में हम। कोई इंस्टा रील पे देखा था कि ये ट्राईपॉड नहीं है तो ऐसे फ़ोटो खींच लो, सो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द ट्राईपॉड, तो ऐसी फ़ोटो खींचूंगा। सब्जेक्ट रेडी है, मैं जाके बैठ जाऊँगा। तो आई हैव कम दिस साइड क्योंकि पोनीज एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रेकिंग फ्रॉम दिस रूट, नॉट विद इन द पार्क बट बाहर से। एंड वो रही पोनी का ट्रैक रूट, आई डोंट नो कहाँ जाती है। We don't have enough time. It's already 4:30. तो बस यही वाला देखने आया कि इस साइड क्या है, एंड देन आई गो बैक। अनिता इज वेटिंग देयर। आई जस्ट मेड माई वे थ्रू दिस डर्ट वर्ड लग गया, एंड दिस इज व्हाट यू सी। ये फेंस आई केम टिल दिस पॉइंट, पर इधर कहीं जगह नहीं था निकलने का, स्मॉल ओपनिंग मिला तो आ गया। एंड लेट्स सी कि इधर एक्चुअली क्या है, व्हाई पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस। पोनीज का फर्स्ट स्टॉप भी है ये। ओके दिस इज द रिवर। आई हैव दिस वियर्ड हैबिट ऑफ फॉलोइंग पीपल ऑन ट्रेल्स, तो मुझे लगता है आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, फॉमो। तो ये पोनीज़ का ट्रैक देख के मुझे लग रहा था ऊपर शायद कुछ होगा, इतना दूर से आए, एम आई गोइंग टू मिस समथिंग, बट दिस टाइम आई एम कॉन्शियसली डिसाइडिंग अगेंस्ट माई विश बिकॉज अभी काफ़ी लेट भी हो रहा है एंड स्तूवान इज़ अस्लीप। सो वी आर गोइंग टू गो बैक टू द होटल एंड मे बी स्पेंड सम टाइम आउटसाइड आवर कॉटेज। सो फॉर नाउ गुड बाई आरू वैली। अनिता फिर से फुचका चालू कर देगा, गोलगप्पे, गोलगप्पे सॉरी। ये किस, ये इसका चार्ज कितना है? 50 50 का कितना होता है? एक प्लेट। ये पूरा बना दोगे क्या? नहीं बे ना, अनिता को ले लो 50 पाइन एप्पल की चार्ज चाहिए। पता था दिस इज़ गोइंग टू एंड, बट एक्सेप्टेंस कभी कभी इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए कोई मौका गंवाने का मन नहीं था। एवरी नुक एंड कॉर्नर वॉज नाउ एन एक्सक्यूज टू स्टॉप एंड जस्ट स्टेयर एट द ब्यूटिफुल माउंटेन। सो दिस इज अ पार्क, हम लोग को दिखा वाइल रिटर्निंग को पहले। So we are back at the hotel. Anandita thoda gaadi mein wait kar rahi hai because Stuvan is not awake, fully awake. So room pahunch gaye hain. Stuvan is having his evening meal. Aur ye raha view. So abhi hum bahar nikle thoda view enjoy karne ke liye. स्तुवान इज एंजॉयिंग, उधर बैठेंगे, कॉफी ऑर्डर दिए
बट एक्चुअली ही इज स्टीलिंग द शो. जा 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 जा. यार कश्मीर छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार. कश्मीर आई विल मिस यू टेरिबली. छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है. आज भी अनिमिता को बोला कि रुक जाते एक और दिन, बट ऑफिस का भी प्रेशर है तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रिटर्न. बट वी आर रिटर्निंग विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज. पैकिंग एंड प्रिपेयरिंग टू रिटर्न बैक कैन बी वेरी डिफिकल्ट. इसी डिफिकल्टी में आया एक गुड न्यूज़. बैक एट होम पापा और मम्मी नए गाड़ी का डिलीवरी ले रहे थे. वीडियो कॉल पे वी शेयर्ड द ब्यूटीफुल मोमेंट्स. व्लॉग आज इधर ही खत्म करते हैं. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं कुछ ही दिन में. बाय बाय.